So in the previous video we were thinking is 100 our magic number? Well, ऐसा ही सोचा था विल्सन ने थोड़े सालों पहले एंड ही केम अप विद अ फॉर्मूला सेइंग दैट आपको अगर मैजिक नंबर निकालना है ना, इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि आपको क्या क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, देन यू कैन डू दिस सिंपल फॉर्मूला में अपनी चीजें डाल दो और आपको मैजिक नंबर मिल जाएगा. फॉर्मूला क्या थी? अंडर द रूट 2ab/c, जिसमें ए क्या था? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल इन यूनिट्स. मुझे रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट इन रुपीस नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए था? इन यूनिट्स चाहिए. बी क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हर ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट. और यहां पर और याद रखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट है, क्वार्टरली मंथली ऐसा नहीं है. क्या दिया है हमारा? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स. यहां क्या दिया है? बी इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. एंड सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. देखो मैं ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ इस पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना आपके एग्जाम में, वो क्या करेगा बताए आपको? ऐसा बोलेगा मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज सो एंड सो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज सो एंड सो, एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज सो एंड सो. और आप सोचोगे हाँ ठीक है मेरे को ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया. गलत. ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट. मंथली दिया होगा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे. क्वार्टरली दिया होगा तो ट्रीटमेंट करेंगे. सिमिलरली अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम नहीं दिया तो हम पहले ट्रीट करके इसमें ये बनाएंगे पर यूनिट पर एनम का. अब हम हमारा एग्जांपल याद करते हैं. हमारे एग्जांपल में क्या था कि हमें 2500 हमारा आउटपुट देना था और हमको पता था कि हमारा 2:1 का रेशियो है. मतलब अगर इनपुट 5000 होगा, रॉ मटेरियल 5000 होगा, तो 1 का हम तो हमारा 2500 का आउटपुट निकल कर आएगा. और तो और हम ये भी जानते थे कि हमारा हर रॉ मटेरियल की कीमत कितनी है? 10 रुपये. पर क्या मुझे 50,000 का काम है, मतलब 5,000 × 10 का काम है? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स चाहिए. सो मेरे को ए मेरा मिल गया कि नहीं मिल गया? यस मेरा मिल गया. लिखते हैं हम अंडर द रूट. देखो टू तो पता ही है सबको. ए मेरा क्या हो गया? ए हो गया मेरा 5000 एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स. बी मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमारे को दे रखा था 16 एंड सी मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम भी हमको क्वेश्चन में दे रखा था 4 बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट फिक्स्ड एंड नोन टू मी इन दी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इस चीज को जब मैं परफॉर्म करूंगा तब मेरे लिए क्या हो जाएगा? तो लेट्स परफॉर्म. क्या हो गया हमारे लिए? 2 × 5000 × 16 / 4 40,000 का रूट 200. सो जो मेरी मैजिक क्वांटिटी है वो क्या है? 200. मतलब मुझे 100 करके नहीं मंगाना चाहिए, 500 करके नहीं मंगाना चाहिए, वो तो पहले ही डिसाइड हो गया था. पर मुझे क्या करके मंगाना चाहिए? 200 करके मेरा जो साल की रिक्वायरमेंट है ना 5000 यूनिट्स की, वो मंगानी चाहिए. अब ये 200 सही है या 200 नहीं है, इसको टेस्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.